नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर बांका से, मौसी प्रखंड क्षेत्र के गोलहट्टी गांव में आग लगने की घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान होने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव निवासी सतन यादव पुत्र मनोज यादव के घर में खाना बनाने के क्रम में चूल्हे से एक चिंगारी घर के सारा सामान जलकर राख कर दिया। घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और मकान को अपनी जद में ले लिया। हालांकि गांव वालों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। इस घटना में पीड़ित का करीब 25,000 के गहने और 4,000 की नकदी के अलावा भारी मात्रा में चावल, गेहूं, मकई के अलावा पहनने का सारा कपड़ा जलकर राख हो गया है। इस घटना को लेकर मौसी प्रखंड प्रमुख बिरसा सोरेन ने बताया कि पीड़ित के द्वारा देर रात को आग लगाने की घटना की जानकारी प्राप्त हुई है। पीड़ित को इस घटना में हर संभव मदद करते हुए अंचलाधिकारी को आवेदन देकर आपदा प्रबंधन द्वारा सरकारी मुआवजा दिलाया जाएगा। ब्यूरो चीफ उमाकांत शाह की रिपोर्ट। जल गया, ये पूरा पीछे दिख रहा है सारा कुछ। क्विंटल चावल जल गया, हाँ 3 क्विंटल, 2-3 क्विंटल गेहूं जल गया, गाना जवा जल 25,000 का, मकई 2 क्विंटल, और टोटल कपड़ा जितना भी था कुछ मतलब बचा नहीं। अभी जो खाएंगे या पहनेंगे वो भी सोचना पड़ेगा। हाँ, कुछ बहुत कुछ बचा नहीं है। इसके पास जितना था ये घर पूरा जल के राख हो चुका है जो भी है, इसलिए कि त्वरित कार्यवाही करके इसको कुछ आर्थिक सहयोग देने का प्रयास किया जाए। ठीक, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।